बैक टू यूट्यूब माई चैनल रिया ऑफिशियल अकाउंट में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो कमेंट करना। और ये है मॉर्निंग का क्लिप और इधर आग तो जल चुका है सुबह ही, और उधर दीदी किचन में खाना बना रही हैं क्योंकि आज कुछ स्पेशल है तो आप लोग को इसी ब्लॉग में पता चलेगा। तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो अभी हम नहाए धोए नहीं हैं तो इसलिए दीदी खाना बना रही हैं और स्पेशल खाना बन रहा है। और इधर चलते हैं कपड़ा धुलेंगे क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा निकाल दिए हैं, कपड़ा धुलेंगे थोड़ा सा बर्तन, इसके बाद चलते हैं नहाएंगे। और आज क्या है तो अभी नहाने के बाद आप लोग को हम बताएंगे क्या बन रहा है मेरे घर में और है क्या आज। तो कंटिन्यू धो के आ गए किचन में और इधर दीदी सब्जी दे रही हैं चखने के लिए क्योंकि बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है। और यहाँ मसाला तैयार हो गया कचौड़ी का और ये कहीं जा रहे, शायद पूछने के कहाँ जा रहे कहाँ। तो हस्बैंड अभी आग उठा के लेके जा रहे हैं बेचारे क्योंकि ठंड बहुत है, सुबह बारिश भी हुई है क्योंकि ठंड भी था और आज सुबह बारिश भी हो गई है तो बहुत ज़्यादा अभी गल रहा है। हम नहा के आए, स्वेटर नहीं पहने हैं तो चलते हैं पहले स्वेटर पहनेंगे। और दीदी मेरे लिए चाय भी बनाई है तो चाय पियेंगे, इसको भी खा लेते हैं, फिर जो किचन में रहेगा थोड़ा मोड़ा काम वो करके रेडी होकर तुरंत मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो बाबू का ये आज एक मंथ कंप्लीट हुआ तो इसके बर्थडे में हम लोग आज केक काटने वाले हैं। और अन्नू का थोड़ा सा मतलब कपड़ा लेना, कल क्रिसमस डे है तो उनके लिए कपड़ा लेना है। खीर भी बन गया और सब्जी भी हो गया, चटनी भी बन गया और आलू का सी पराठा बनाना है। और इनको जाना है कस्टमर के यहाँ, मतलब गांव जाना है तो जल्दी चलते हैं, पराठा बना लेंगे। और हम भी मतलब काम से खाली होकर तुरंत मुझे मार्केट जाना है, कुछ लेना है मुझे। तो क्या लेंगे वो आप लोग को बढ़िया सब हम भरते सेकत रहो फिर जाओ धुल के ले आओ, चक्कर पीस लो मैं तुम के लिए एक चीज भी कम नहीं ना ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पराठा बन रहा है और इधर दीदी बना रही है और इधर सिर्फ हम सेक रहे हैं और वरना बदमाशी कर रहा है मेरा। आज तुम्हारे लिए कपड़ा नहीं लेके आएंगे हम, चलो नहीं क्या तुम्हारे लिए नहीं लेके आएंगे। दादी परेशान कर रही हो ना, नहीं लेके आएंगे हम, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो ना बोलवा कहाँ है, सॉरी बोलो इधर पराठा बन के रेडी हो चुका है तो चलते हैं अभी मम्मी को और इनको निकालेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हो बारिश होना चालू हो रहा है मेरे यहाँ, फिर नाइट में हुआ रात में अभी फिर बरसात होना चालू हो रहा है। अब किसको किसको गर्म पराठा खाना है प्लीज कमेंट करो और जल्दी से आ जाओ मेरे यहाँ। ये यार कहाँ है, ऐसा करती हो ना। वो यहाँ देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से मेरा पराठा बन के रेडी हो गया है। इधर चटनी है, खीर है, सब्जी है। तो अभी इनका हम जा रहे थे खाना निकालने क्योंकि इनको जाना है गाँव, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे पहले ही, तो जल्दी खाना निकालेंगे जल्दी से। और यहाँ आप लोग देख सकते हो इतना सारा पराठा है जो कि पूरा बन चुका है, सिर्फ चार पाँच पराठा और रह गया है। तो ये वहाँ से खाएंगे पराठा खाएंगे, वो देखो इनका निकाल रहे हैं, हम चलते हैं खाना। पापा, 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 पापा,
ओपन में फिर भी दे जाए थोड़ा चटनी। हाँ थोड़ा थोड़ा तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर रहता और उपर लेने और बारिश हो रहा है इधर देख रहे हैं आप लोग को इधर का मौसम दिखा रहे हैं बहुत तेज बारिश हो रहा है बारिश चलना शुरू हो गया है तो हम लोग पीछे फिर आ गए हैं कि थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं है और अभी बारिश स्टार्ट हुआ है तो ये बोले कि चलो जल्दी से लेके आए नहीं तो पूरा जो मतलब लकड़ी उकड़ी सब भीग जाएगा तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं अब चलते हैं हम लोग लकड़ी लेने मार्केट नहीं गए क्योंकि बारिश हो रहा था और पीछे हम आए हैं यहाँ रहटा क्या बोलते हैं तो वही रहटा लेने आए हैं और बारिश हो रहा है और हम यहाँ पुराने मकान के पास मतलब पीछे खड़े हैं तो चलते हैं क्योंकि दो ही चीज़ लाए ये खुद गए थे हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गल रहा था और ठंडी बहुत तेज है हाँ थोड़ा सा और ले लें अब थोड़ा सा और ले लो कम पड़े कहे कि बारिश भी होता ना तो दिक्कत हो रात में भी जले ही मम्मी अभी बिट्टी में से भी ना सुबह भी जले बारिश होता कब भी घूम जाए तो दिक्कत हो जाए तो हमारे लिए क्या लाएं बाबू के लिए तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं यहाँ से पहले लकड़ी ले कर चलते हैं फिर आप लोग को घर पर दिखाते हैं क्योंकि आप लोग से हम बोले थे कि जाएंगे मार्केट हम नहीं जा पाए सॉरी इसके लिए क्योंकि बारिश हो रहा था और घर से निकलते तो बाबू को मतलब दिक्कत होता वो भी भीग जाता हम भी भीग जाते हैं तो इधर रहटा निकल चुका है तो हम चलते हैं घर लेकर क्योंकि यहाँ नहीं तोड़ सकते बारिश हो रहा है तो घर पे लेके जाएंगे अंदर तोड़ेंगे आधा आप ले लें आधा हम ले लें ना इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि ये वजन है और मुझे जल्दी से लेके जाना है क्योंकि बाबू आ गए लेके चले गए हैं इधर आके पेस्ट्री अभी रेडी हो गई क्योंकि केक मिला नहीं बारिश की वजह से तो इधर पेस्ट्री आया है रोल तो चलते हैं पहले रोल चलते हैं रोल निकालेंगे क्योंकि बाबू से मंगाए थे रोल तो अभी बाबू को हम रेडी कर दिए हैं तृप्ति को तो अभी एक मंथ उसका कंप्लीट हुआ है तो उसकी वजह उसकी खुशी में हम लोग केक कटने वाले हैं क्योंकि अभी बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से हम बाहर नहीं जा पाए तो किसको किसको रोल खाना है आप लोग कमेंट करना हाँ रोल आया है वेज रोल है तो अभी फिलहाल इसको हम निकाल के सबको दे देते हैं रोल निकालते हैं और इधर चटनी तो चलते हैं केक काटने के लिए तैयारी तो कर चुके हैं पहले से ही हम बता दे रहे और रेडी हम भी हो गए हैं क्योंकि बाबू बाथरूम कर दिया था मेरे पर उसको मालिश कर रहे थे तो कपड़ा भी चेंज कर लिया और हम तैयार भी हो गए हैं ज़्यादा नहीं बस सिंपल तरीके से मतलब तैयार हुए हैं सुसु करना है जाओ कर लो हाँ आज बाबू पता नहीं क्यों बस पैंट में ही सुसु कर दे रहा कई बार 10-12 बार तो कर चुका उसको बहुत मारे आज में तो चलो हम चटनी दो देख के फिर हम आप लोग से बात करते हैं बंद कर भाइये तो यहाँ केक कट चुका है बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था इसको तो दे दिए उनकी मम्मी को और चलते हैं हम लोग मतलब केक खाएंगे अभी केक कट चुका है
और अन्नो भी खाएगा और ये खाएंगे, हम खाएंगे, मम्मी खाएंगी, दीदी खाएंगी। और ये मेरा सूट आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करना। और ये कितने का है वो खा लेते हैं, इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। और हस्बैंड मेरे लिए क्या लेके आए वो भी बता देते हैं आज। तो किसको खाना आ जाओ, बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा सा अन्नो तुम खा लो, थोड़ा सा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही। तो अभी बज रहे रात का 10 और केक कट चुका है क्योंकि बाबू को पता नहीं क्या हुआ, इतना बहुत ज़्यादा रोता है वो। तो जाने वाला अपने मतलब दादी के यहाँ, तो इसी वजह से आज 24 तारीख है, उसका एक मंथ कंप्लीट हुआ। हम कहा चलो भैया केक ही मतलब काट लेते हैं, नए साल पहले आने से पहले ही काट लिया जाए। तो 1 तारीख को नए साल पर देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग गाँव में हैं तो सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए नए साल पे, तो देखो क्या होने वाला है। तो चलो हम यही ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर न्यू ब्लॉग के साथ ऐसी प्यार भरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।